हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू स्मार्ट पेरेंटिंग डॉट कॉम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके लेकर बहुत सारे पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा खाना ठीक से क्यों नहीं खाता है, या पहले खाता था और ऑल ऑफ अ सडन उसने छोड़ दिया है, या जब भी खिलाने जाओ तो वो फेस साइड कर लेता है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि हम फोर्सफुली खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, यानी उस चक्कर में हम उन्हें टीवी स्क्रीन ऑन कर देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली हमें नहीं करना चाहिए। इवन कुछ पेरेंट्स बच्चों के पीछे पीछे भाग भाग कर उन्हें खिलाने लगते हैं, और जिसके वजह से बच्चा और ज़्यादा फजी हो जाता है और वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करता है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से और मैंने अपने पीडियाट्रिस से भी कंसल्ट किया, कुछ वेज ऐसे ट्राई किए, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट होता है, कौन सा किस वे से किस बच्चे को इफ़ेक्ट करने लगे, किस में इम्प्रूवमेंट दिखने लगे। सो मैं आज सारे तरीके बताऊंगी जो मैंने ट्राई किए थे, एंड फाइनली जिससे आरव के अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो चीज़ हो सकती है दैट योर किड इज़ नॉट हेल्दी। शुरू शुरू में कई बच्चे अच्छे से खा रहे होते हैं, बट अचानक से वो खाना छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि वो फजी हो गए हैं या उन्हें खाना पसंद नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। मे बी उनकी हेल्थ ना सही हो, दे आर फीलिंग अनइजीनेस। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास, अपने पीडियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, सो दैट बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज वो कन्वे नहीं कर पाते हैं ठीक से। उनकी जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बच्चा फिर से ही नॉर्मल रूटीन में आएगा और वो खाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट रीज़न कैन बी वॉर्म्स, यानी आपके बच्चे के पेट में वॉर्म्स हो सकते हैं। तो हमें नॉर्मली 1.5 से 2 साल के बाद बच्चों की डीवॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं, और ये एक नॉर्मली एल्बेंडाजोल यूज़ होता है। मुझे मेरे पीडियाट्रिस्ट ने एल्बेंडाजोल ही दिया था आरव के लिए, जिसमें जो 10 ml की स्मॉल बॉटल आती है, सिरप के फॉर्म में होता है वो, और उसे हमें एक वीक के इंटरवल में देना होता है। यानी अगर आपने संडे को 5 ml दिया है तो रेस्ट 5 ml आपको नेक्स्ट संडे को देना होगा। एंड नॉर्मली जो मेरे पीडियाट्रिस्ट ने बताया था कि आप या तो रात में सोने से पहले इसे दीजिए, या फिर सुबह जैसे ही बच्चा उठता है और एम्प्टी स्टमक रहता है तब आप इसे दीजिए, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो जो वॉर्म्स होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चे की भूख को ख़त्म करने का, बिकॉज़ वो जो वॉर्म्स होते हैं वो बच्चों के अंदर से न्यूट्रिशंस और ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है। नाउ थर्ड रीज़न कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है बच्चे की भूख ना लगने का, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती, खाना नहीं पसंद करते हैं, या फिर अगर काफ़ी सारे बच्चों में पैरेलली एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर उन्हें डेफिशिएंसी होती है, उन्हें मिट्टी खाना पसंद आता है, वो मिट्टी खाने की कोशिश करते हैं, या फिर वॉल्स को स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं और जो चूना होता है उससे खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आप ऐसे केस में पहले तो अपने पीडियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए और आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स दीजिए, सो दैट उन्हें तुरंत रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाए, और उनके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच फूड ही ऐड कीजिए। इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कौन से फूड में किस बच्चों को किस फॉर्म में दे सकते हैं हम, जिसमें ज़्यादा आयरन होता है। तो ये भी मोस्टली, ये जब मैं अपने पीडियाट्रिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने बताया था कि मोस्टली बच्चों में यही प्रॉब्लम रहती है, कि उन्हें हमें लगता है कि हम बच्चों को तो सारी चीज़ें नॉर्मली दे रहे हैं, इतना छोटा बच्चा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट आयरन की कमी इज़ वेरी कॉमन, और जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है। द नेक्स्ट रीज़न कैन बी गैप बिटवीन मील्स। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे ने ठीक से खाया नहीं, हम थोड़ा सा और दे देते हैं, फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा और देते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है कि उसे भूख ही नहीं लग पाती है। थोड़ा थोड़ा करके ही, बच्चा छोटा ही है, उसका स्टमक छोटा है, आप क्वान्टिटी पर मत जाइए। तो जब भी आपको मील्स देने होते हैं, आप स्नैक्स के फॉर्म में अगर कुछ चीज़ें दे रहे हो, तो हैवी मील और स्नैक्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। यानी अगर आप डिनर देना चाहते हो या फिर आप लंच कराना चाहते हो, तो उन लंच और डिनर से पहले एटलीस्ट 2 या 2.5 घंटे का गैप रखिए, सो दैट बच्चे को अच्छे से जो भी उसने खाया है उसे डाइजेस्ट कर ले, उसे भूख लगे, तभी वो खाएगा, अपनी हैवी मील्स को अच्छे से ले पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं ले पाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जिससे उसकी भूख, उसकी एपेटाइट
नॉर्मल रहती है, उसको भूख लगती ही नहीं है। नेक्स्ट इज मेक इंटरेस्टिंग फूड्स, यानी शुरू शुरू में क्या होता है कि हम अपने किचन में कुछ नया नया ट्राई करते हैं बिकॉज उनकी सॉलिड जर्नी स्टार्ट हो रही होती है, और जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं हम उन्हें सोचते हैं कि कुछ ओट्स दे दें या फिर कुछ ऐसे नया फॉर्म में देते हैं कुछ ना कुछ करके, बट लेटर वी थिंक कि जो हमने बनाया है बच्चे उसी पर आ जाएँ, एंड दैट इज़ ट्रू ऑल्सो, दैट इज़ ओके ऑल्सो, बिकॉज हमें भी उसी रूटीन में बच्चों को लाना है। बट समटाइम्स वट हैपन्स कि बच्चों को नहीं पसंद आता है खाना, यानी आपने अगर जैसे कुछ सब्जियां बनाई हैं उन्हें नहीं पसंद आ रही हैं, या दाल है या फिर जो भी आपके यहाँ बन रहा है वो चीज़ें नहीं पसंद है, तो उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके देने की कोशिश कीजिए उस पीरियड ऑफ टाइम में। मे बी जब वो हील स्टार्ट लाइकिंग, तो आप जब भी वो नॉर्मल होगा तो फिर से आप इस पर रूटीन पर ला सकते हो। ऑफ एंड ऑन आप ये चीज़ें ट्राई करते रहिए। जैसे मैं आरव के साथ शुरू में क्या करती थी कि अभी भी कभी कभी मैं ये चीज़ें कर देती हूँ, दैट सपोज़ मैं उसके लिए आटे का केक बना के उसे देती थी जिसमें मैं आटा यूज़ करती थी और फिर इंस्टेड ऑफ मैदा, और मैं ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके उसमें डालती थी, फिर वन एग आई यूज़, जो कि नॉर्मली जो नहीं यूज़ करते हैं वो स्किप कर सकते हैं, तो आप एक एग भी यूज़ कर सकते हो, और स्वीटनेस के लिए यू कैन यूज़ हनी। तो इससे क्या होता है कि ये केक इतना सॉफ्ट होता है कि हर एज का बच्चा उसे खा भी सकता है। तो इससे देखो कितने सारे न्यूट्रिशंस चले गए उसके अंदर, आटा भी चला गया, ड्राई फ्रूट्स भी चला गया, जो एग खाते हैं उनके लिए एग भी चला गया, एंड हनी भी यूज़ हो गई शुगर की जगह पे। तो कुछ फॉर्म चेंज करिए बच्चों को और बच्चे विल डेफिनेटली लाइक इट, है ना। और तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जो बच्चों को हम दे सकते हैं उसका एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ डू नॉट आइसोलेट किड्स। हम बहुत ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों को हम पहले खिला लेंगे फिर हम खा लेंगे, बट दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। बच्चों को आप साथ में अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खिलाइए, जब भी आप सब लोग साथ में खा रहे हैं आप उन्हें साथ में बैठा कर खिलाइए, अदरवाइज़ जब आप अकेले खिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें बहुत फोर्सफुली खिलाया जा रहा है, उनका खाने का मन नहीं करता है, वो इरिटेट होते हैं इन सब चीज़ों को देख करके। बट जब आप साथ में खिलाते हो तो उन्हें एक इन्वायरमेंट मिलता है खाने का, यानी वो हर एक को नोटिस करते हैं कि सारे सब लोग खा रहे हैं, तो उन्हें भी फील होता है कि हाँ ये एक डिनर टाइम है या लंच टाइम है और हमें भी खाना चाहिए। तो वो देख करके बच्चे नॉर्मली स्टार्टिंग में बहुत कॉपी करते हैं, तो वो देख देख करके खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अगर वो सब साथ में खाएंगे तो कभी बच्चा घूम रहा है तो दादू के साथ खा ले रहा है, दादी के साथ एक बाइट खा रहा है, या मम्मी के साथ खा ले रहा है, पापा के साथ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर वो खा रहा है तो उसका भी पेट भर जाता है। तो आप कोशिश करिए कि साथ में एटलीस्ट सारे स्नैक्स या चीज़ें नहीं मैच कर पाती हैं, तो एटलीस्ट जो हैवी मील्स होती हैं जैसे लंच हो गया या डिनर हो गया, तो एटलीस्ट वो टाइम आप मैच कराइए जिसमें सब लोग साथ में बैठ के खाएं और बच्चा भी खाए, जिससे फर्स्ट थिंग वो खाना भी खा लेगा एंड सेकेंडली उसे ये भी समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर बैठ के खाना चाहिए। एक उसे समझ में आएगा कि क्या होते हैं प्लेट मैनर्स, क्या होते हैं, कैसे खाना चाहिए, वो सबको नोटिस करेगा बिकॉज अकेले में तो वो चीज़ें नोटिस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ योर क्वान्टिटी ऑफ मील। बहुत सारे पेरेंट्स क्वांटिटी के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आज तो बच्चे ने बस 2-3 स्पून ही खाया, कल या हाफ चपाती खाई, कल तो पूरी एक चपाती खा ली थी, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ भी नॉर्मली होता है, ये नॉर्मल है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। किसी दिन हम भी एक चपाती खा रहे हैं, किसी दिन 2 चपाती खा रहे हैं, किसी दिन हम 3-4 चपाती भी खा लेते हैं बिकॉज हमारी हमें भूख नहीं होती है, मे बी उस दिन फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं या फिर अंदर से हमें फील नहीं हो रहा होता है ऐसा, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। और बच्चों के साथ भी वैसे ही होता है, उनकी भी बॉडी इंडिकेट करती है कि आज हमें कम खाना है। डोंट कंपेयर कि कल इतना खाया था या सुबह इतना खाया था, अभी इतना नहीं खाया, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बस बच्चे को हाँ कुछ खा लिया है उसने थोड़ी देर में आप फिर से कुछ ट्राई करो, बट क्वांटिटी के मामले में मत उस कंफ्यूज हो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वन पार्ट। सो नेक्स्ट इज़ योर फिजिकल एक्टिविटीज़। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली बच्चों की, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो हमें भूख ही नहीं लगेगी, हम खाना कैसे खाएंगे। वैसे ही बच्चों के साथ, बच्चे हमें ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे इंगेज्ड हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बट वो नॉर्मली इंडोर्स में ही खेल रहे होते हैं, अपने कार्स एंड टॉयज़ के साथ बिजी होते हैं। या फिर जो सबसे बड़ी मिस्टेक दैट पेरेंट्स डज वो होती है
हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं या फिर टीवी स्क्रीन ऑन कर देते हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग जिसकी वजह से बच्चों की एक्टिविटीज़ नहीं होती है. और इसमें पेरेंट्स की ही गलती है, बिकॉज़ होता क्या है कि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, थक गए हैं शाम शाम तक, या फिर जो घर में भी काम कर रहे हैं वो भी थक चुके हैं. तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को एंगेज रखने के लिए या फिर हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें, हम बच्चों को टीवी स्क्रीन ऑन कर देते हैं, हम फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है. बिकॉज़ बच्चों को इंगेज करने के लिए हमें खुद भी इंगेज होना पड़ता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है भूख ना लगने का. बिकॉज़ एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो उनकी प्रीवियस मील ही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, तो दे विल नॉट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मील. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ हैव पेशेंस. बिकॉज पेरेंटिंग का ही दूसरा नाम है पेशेंस. आपको यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू कीप ट्राइंग. आपको ट्राई करते रहना है, थकना नहीं है. बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट होता है. ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे जिस रीज़न की वजह से मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आई या फिर किसी दूसरे के में इम्प्रूवमेंट आई, वो भी ऐसा सेम होगा कि दूसरे में भी आएगी. तो आपको बस ट्राई करते रहना है. मैंने भी बहुत दिन तक ये सारी चीज़ें ट्राई करी और उसके बाद फाइनली, और अपने पेडियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली वी गॉट टू नो कि आरएफ के भूख ना लगने का क्या रीज़न है. और उससे था डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बिकॉज एट द सेम टाइम ही वाज जस्ट स्क्रैचिंग द वॉल और वो चूना खाता था, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तब हमने कोरिलेट किया कि मे बी यही रीज़न हो सकता है जो दोनों चीज़ के लिए जिसका रीज़न हो. तो हमने डॉक्टर ने हमें कुछ सप्लीमेंट्स दिए और हमने जब उसे सप्लीमेंट स्टार्ट किए, मैंने कुछ आयरन रिच फूड उसके लिए स्टार्ट किया और आई वॉज अमेज्ड कि आफ्टर मे बी 5 डेज ही सेड मम्मा आई एम हंग्री. सो आई वॉज शॉक्ड कि जो बच्चा भाग रहा होता था खाने के पीछे, मतलब खाना नहीं खाना चाहता था, हम उसके पीछे भाग रहे होते थे, और आज अचानक से वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है. तो दैट इज़ वन पार्ट. सो मुझे मतलब ऑफ एंड ऑन डेफिनेटली कभी कभी किसी दिन नहीं खाता है, किसी दिन खाता है, बट टच वुड जो पहले वाला इशू था वो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे उसके अंदर दिखी. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इन सारे वेज में, इन सारे ट्रिक्स में से कोई आपके बच्चे के लिए भी इफेक्टिव होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल मीट अगेन वेरी सून.